मार डाले गए मार डाले गए और सब पक्षी और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। हो गया क्या? बड़े बोझ, बड़ा बोझ हो गया। अभी आप लोग यीशु के संग स्वर्ग नहीं गए, कल आप लोगों को पक्षी भी काट डालेंगे। ऐसा होना चाहिए क्या? अभी आने वाले यीशु के संग किधर जाना चाहिए? देखेंगे सिनेमा सीरियल। अरे वाह, कितना अच्छा परमेश्वर का बच्चा है। आप जैसा बोला वैसा ही पवित्र आत्मा आप लोगों को संभालेगा। आमीन। ओके, अभी शेष लोग यीशु का मुख से आने वाला तलवार से मारे गए और उनका मांस सब पक्षी काट डाले। अभी मुझे बोलो, इधर बचे हुए कौन है? सिर्फ 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 कौन है? सब बोलो, सब बोलो। सिर्फ शैतान बचा है, बराबर है ना? उसका क्या आगे? पढ़ो, पढ़े श्वेता, पढ़ पढ़। फिर मैंने एक स्वर्ग दूत को स्वर्ग से उतरते देखा। इधर देखो, अभी यूहन्ना देख रहा है, सिर्फ शैतान इधर है, इधर है। तब एक तब यूहन्ना देख रहा है एक स्वर्ग दूत स्वर्ग से उतर कर आ रहा है, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उस स्वर्गदूत के हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और बड़ी जंजीर थी। देख सके क्या आप लोग? उस स्वर्गदूत स्वर्गदूत को देख सके क्या? उसका हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और बड़ा जंजीर देख सके? नहीं ना। ठीक है, सिर्फ उस स्वर्गदूत को बड़ा करूंगा क्या? सिर्फ उसका मैं बड़ा करूंगा। ओके, अभी यूहन्ना देख रहा है स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उतर कर आ रहा है। उसका हाथ में अथाह कुंड की कुंज है। इधर देखो, उसका हाथ में अथाह कुंड की कुंजी है और बड़ी जंजीर है। अभी स्वर्ग से उतर कर आ रहा है, स्वर्ग से उतर कर, सिर्फ इधर शैतान है। इस स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर कर आकर हर्मगदन लड़ाई में, इस स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर कर आकर हर्मगदन लड़ाई में शैतान को पकड़कर अभी अथाह कुंड में डालने वाला है, बांध कर। आगे पढ़ो। उसने उस अजगर स्वर्ग से उतरने वाला ये स्वर्गदूत क्या क्या हर्मगदन लड़ाई में उस शैतान अर्थात पुराने सांप को सांप का रूप में आकर आदम हव्वा को बरमाया ना लूसीफर, उसको पकड़ा भी। स्वर्ग से उतरने वाला है दूत उसका जो इबलीस और शैतान है, शैतान है लूसीफर, पकड़ के लूसीफर को पकड़ के, स्वर्ग से उतरने वाला है दूत हर्मगदन लड़ाई में लूसीफर को पकड़ कर हजार वर्ष के लिए बांध दिया। कितना वर्ष के लिए बांध दिया? हजार वर्ष के लिए क्या क्या बांध दिया? और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया। अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी, और अथाह कुंड के ऊपर मोहर लगा दी। अभी अभी लूसीफर किधर गया? सब बोलो, कितना साल के लिए? स्वर्ग से उतर कर आए हुए स्वर्गदूत इधर लूसीफर को पकड़कर अथाह कुंड में कैसा डाला? किधर से बांधा? अभी अभी देखो, मुझे बोलो, धनवान मनुष्य अधोलोक में था क्या? नहीं, धनवान मनुष्य अधोलोक में था क्या? नहीं था ना। उसका बांध कर डाला क्या? उसका वैसा ही डाला। परंतु लूसीफर को अथाह कुंड में कैसा डाला? क्यों बांधना चाहिए? क्यों बांधना चाहिए? इधर देखो, लूसीफर पहला कौन था? पहला कौन था? स्वर्गदूत था। स्वर्गदूत लोगों को क्या है? उसको वैसा ही डाला, उड़कर आएगा, इसलिए बांध कर डाले। क्या परमेश्वर का वचन! एक एक अक्षर
हम लोग नहीं बदलना, क्लियर लिखा है। कुछ बाइबल कॉलेज में स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, टीचर्स क्या सिखाते हैं, बाइबल सच है परंतु 100% सच नहीं बोले सिखाते है। कौन बोला वो बाइबल 100% सच नहीं बोले? कौन बोला आप लोगों को? मेरे पास आओ, इसके लिए मैं खड़ा रहूंगा। बाइबल 100% नहीं, 101% करेक्ट है। एक भी अक्षर हम लोग बदल नहीं सके। हमको आप लोगों को समझ में आया तो सिखाना, नहीं चुप रहना, ज्यादा कमी नहीं बोलना, परमेश्वर का वचन उल्टा पलटा नहीं करना, जैसा है वैसा ही सिखाना चाहिए। चाहे तो पालन करो, नहीं तो छोड़ दो, परंतु अदला बदला, ज्यादा कमी मत करना। अभी स्वर्ग से उतरने वाला स्वर्गदूत क्या किया? इधर लूसिफर को पकड़कर अता कुंड में जंजीर से बांध कर डाल दिया। कितना साल के लिए? ओके, 1000 साल के लिए अभी गया लूसिफर अता कुंड में, कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाते के लोगों को फिर न भरमाए। 1000 वर्ष यीशु का राज्य पृथ्वी पर पूरे होने तक लूसिफर पृथ्वी पर 1000 वर्ष राज्य में रहने वाले लोगों को फिर से न भरमाए बोले। इसके बाद अवश्य है, अरे बोले कुछ शब्द छोड़ा क्या? ओके, उस अता कुंड के मुहर दी गया और लूसिफर उधर अंदर डाला। जब 1000 साल यीशु का राज्य पृथ्वी पर पूरे हो जाएगा तब लूसिफर के फिर से यीशु बाहर छोड़ेगा। वह बाहर आकर फिर से यीशु के विरुद्ध एक छोटा लड़ाई करेगा। क्यों फिर से बाहर छोड़ेगा हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ो। कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। 1000 साल यीशु का राज्य खत्म होने के बाद लूसिफर को थोड़ा देर के लिए बाहर छोड़ा चाहेगा। फिर मैंने सिंहासन देखे। अभी अभी लूसिफर किधर गया? सब बोलो, लूसिफर किधर गया? अता कुंड। लूसिफर अता कुंड जाने के बाद पृथ्वी पर यीशु का राज्य 1000 साल राज्य, अभी थोड़ा क्लोजअप करूंगा। ओके, यीशु का 1000 साल राज्य पृथ्वी पर शुरू होगा। अभी यूहन्ना देख रहा है यीशु का एक, अभी अभी मैं आपको बोलूंगा, मैं आपको बोला ना, 7 साल मसीह विरोधी का राज्य में गलती से आप लोग रहा तो उधर से परमेश्वर का राज्य में आने के लिए 2 रास्ता बोला। पहला रास्ता क्या है? चिपने लेकर मरना, डायरेक्ट स्वर्ग। दूसरा रास्ता, हाँ, दोनों ग्रुप अभी हम लोग देखने वाला है। ठीक से ठीक ठीक से ठीक से सुनो। अभी पहला ग्रुप, फिर मैंने सिंहासन देखा और उन पर लोग बैठ गए। उन पर लोग बैठ गए 1000 साल यीशु के राज्य में, अभी पृथ्वी पर बढ़कर जाएंगे, बराबर है ना? क्योंकि उनका शरीर कौन सा शरीर? स्वर्ग से आए हुए लोगों को वंश नहीं, उनका शरीर ऑलरेडी बदल गया है। 7 साल यीशु, 7 साल मसीह विरोधी के राज्य में से जंगल में जाकर जिंदा रहकर यीशु के 1000 साल राज्य में आने वाला लोगों का शरीर नहीं बदलेगा, इसलिए उनका वंश 1000 साल यीशु के राज्य में बढ़कर जाएगा। उनका वंश को स्वर्ग से आने वाला हम लोग 1000 साल राज्य करेंगे। 1000 साल यीशु के राज्य में नए जन्म हुए लोग, मिट्टी का शरीर का लोगों को नए जन्म हुए लोग ज्यादा बढ़कर जाएंगे। नए जन्म हुए लोगों के लिए इधर एक परीक्षा है। 1000 साल यीशु का राज्य जब खत्म हो जाएगा तब शैतान को बाहर छोड़कर नए जन्म हुए लोगों को एक परीक्षा करेगा परमेश्वर। उसके बाद
अंतिम न्याय हो जाएगा। ओके, अभी 1000 साल यीशु के राज्य के विषय में आपको बोलना, आगे पढ़ो। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। 1000 साल यीशु का राज्य जब तक पूरा न होगा तब तक मरे हुए शेष लोग, मतलब अधो लोगों का लोग नहीं उठेंगे। अधो लोगों का लोग कब उठेंगे? 1000 साल यीशु का राज्य जब खत्म होगा तब अधो लोग का लोग जी उठकर आएंगे आएंगे आएंगे, आकर इधर खड़ा होंगे अंतिम न्याय में यीशु का बायां ओर। तब तक 1000 साल यीशु का राज्य पृथ्वी पर होने तक अधोलोक का लोग उधर ही रहेंगे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। इस पहले पुनरुत्थान का भागी है ऐसा पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। एक बार 1000 साल यीशु के राज्य में आए तो उन लोगों को ऊपर नरक नहीं, परंतु इधर नए जन्म हुए लोगों को एक परीक्षा है। 1000 साल यीशु के राज्य जब खत्म होगा तब। ओके, 1000 साल यीशु का राज्य का विषय मैं आपको बोलना चाहे तो एक दिन चाहे, क्योंकि 1000 साल यीशु के राज्य में गवर्नमेंट रूल्स यीशु 65 रखा है। कानून मात्र कितना है? एकदम सुंदर। 1000 साल यीशु का राज्य पृथ्वी पर होने वाला है। सब कुछ मैं आपको नहीं बताऊंगा, एक 5 मिनट में 1000 साल यीशु का राज्य कैसा होगा पृथ्वी पर आपको बताऊंगा, उसके बाद आगे जाऊंगा। अभी यीशु का 1000 साल राज्य पृथ्वी पर कैसा होगा हम लोग देखेंगे। यशाया 65:21-25 देखो, यशाया 65। अभी हम देखेंगे यीशु का 1000 साल राज्य के विषय में। क्योंकि देखो मैं नया आकाश, नहीं 25:21 से 17 नहीं बोला, 65:21 से अब 17 पढ़ रहा है। वे घर बनाकर 1000 साल यीशु का राज्य में लोग क्या करेंगे? नए जन्म हुए लोग घर बनाएंगे, उसमें बसेंगे, उसमें बसेंगे। क्यों? 1000 साल यीशु के राज्य में नए जन्म हुए लोग क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? और उसमें बसेंगे। क्यों घर बनाना चाहिए? 7 साल मसीह विरोधी के राज्य में यीशु क्या किया? पृथ्वी को पकड़कर खिला हिलाकर सब घर को क्या किया? वह तोड़ दिया। अभी बांधो 1000 साल यीशु के राज्य में नए जन्म हुए लोग घर बांधेंगे, उसमें बसेंगे। वे दाख की बारियां बनाकर, दाख की बारियां बनाकर उनका फल खाएंगे। ठीक से सुनो, ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरे बसे। एक घर बनाना, उसमें दूसरा रहना। या वे लगाए, एक दाग की बारिया लगाना और दूसरा खाए फल दूसरा खाना, ऐसा नहीं होगा। 1000 साल यीशु के राज्य में एक घर बनाना, उसमें दूसरा रहना, एक दाग की बारिया बनाना दूसरा फल खाना, ऐसा न होगा। क्यों? क्यों? ठीक से सुनो, 1000 साल यीशु के राज्य में, 1000 साल यीशु के राज्य में नए जन्म हुए लोग एक दूसरों को विरुद्ध गलत किए, अगर चोरी किए, झूठ बोले। 1000 साल यीशु के राज्य में नए जन्म हुए लोग चोरी किए तो स्वर्ग से यीशु के साथ आने वाला हम लोग क्या करेंगे? अदृश्य होकर देखेंगे उन लोगों को। जब चोरी करेंगे तब हम लोग आत्मिक शरीर में रहेंगे, अदृश्य होकर देखेंगे। वे नए जन्म हुए लोग, मिट्टी का शरीर का लोग, एक दूसरों को विरुद्ध चोरी किया क्या? अदृश्य होकर देखेंगे।
उन लोग चोरी करने के बाद हम लोग उनके सामने दृश्य करेंगे, उन लोग डरेंगे और हम लोग उन लोगों को दंड देंगे फॉर मजा। 1000 साल आप लोग जज होने वाला है, जैसा चाहे वैसा आप लोग न्याय करेंगे। हालेलुया, सब लोग जज होने वाला है, आप सब लोग जज होने वाला है। कितना साल? जैसा चाहे वैसा आप लोग जज करेंगे, न्याय करेंगे, परंतु नीति नहीं करेंगे, नीति से करेंगे। हालेलुया। देखो आप कौन होने वाला है, सब बोलो, सब बोलो। अभी क्यों एक विधर्मी मनुष्य जज के सामने जाकर खड़ा रहा है? आप लोग एक दूसरों को क्षमा करो, कोर्ट केस मत जाना। वह विधर्मी है, कोर्ट में वकील जज विधर्मी है, आप परमेश्वर का बच्चा है, उनके सामने क्यों जाकर खड़ा होना चाहिए? एक विधर्मी मनुष्य के सामने आप लोग जज होने वाला है 1000 साल। एक दूसरों को क्षमा करो, छोड़ दे, वो स्वर्ग में आपका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। और हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी का शरीर का लोग गलत किए थे, हम लोग उनको दंड देंगे, दंड देंगे। हाँ, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्ष किसी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। हाँ, 1000 साल यीशु के राज्य में मिट्टी का शरीर लोग काम किए, पूरा लाभ मिलेगा, नष्ट नहीं होगा। अभी देखो लोग काम किए तो बारिश नहीं और पानी नहीं, कितना नष्ट हो रहा है। 1000 साल यीशु के राज्य में नष्ट नहीं, काम लोग काम किए उनको प्रतिफल मिलेगा। हाँ, उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे। मतलब क्या, 1000 साल यीशु के राज्य में मिट्टी का शरीर में रहने वाले लोगों को बच्चे जन्म होंगे, परंतु कष्ट नहीं, कष्ट नहीं। वे कष्ट कब आए थे? अदन वाटिका में फल खाने से स्त्री लोगों को कष्ट आया है, जब बच्चे जन्म देंगे तब कष्ट उधर से आया, वे कष्ट इधर परमेश्वर निकाल देगा। इधर मिट्टी का शरीर लोगों को बच्चे जन्म होंगे, कष्ट नहीं। हाँ, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोग, धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे, यहोवा का धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे। हाँ, और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे, उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। लोग मांगते मांगते यीशु सुनेगा, क्यों? लोगों के सामने यीशु खड़ा होकर सुनेगा। 1000 साल यीशु इधर ही रहेगा पृथ्वी पर, इसी पृथ्वी पर रहेगा, हम यीशु के सामने खड़े होकर बोलकर रहेंगे। हालेलुया, कितना अच्छा। देखो भेड़िया और मेमना एक संग चला करेंगे। क्या जी? भेड़िया मेमना एक संग चरा करेंगे, भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे 1000 साल यीशु के राज्य में इसी पृथ्वी पर। कितना अच्छा। देखो अभी अभी बेड़िया, अभी बेड़िया के सामने मेमना छोड़ो, बेड़िया का मुख से पानी आएगा, परंतु 1000 साल यीशु के राज्य में बेड़िया और मेमना एक संग चरा करेगा। और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा। क्या जी? सिंह फिर से पढ़ो ना। और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा। सिंह नहीं, सिंह, सिंह बैल के समान क्या खाएंगे? भूसा खाएंगे। सिंह बैल के समान भूसा खाएंगे, एक दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करेंगे। सिंह भी क्या खाएंगे? भूसा खाएंगे। देखो परमेश्वर का लोक, देखो एक रहस्य में आपको बोलूंगा, किसको भी मत बोलना, ठीक है?
क्या क्या मटन मासे खाना चाहिए, इधर ही काकर डालो। एक बार यीशु के संग स्वर्ग गए, नॉनवेज बंद। सिंहो भूसा का रहा है, आपको किधर से मिलेगा। एक बार यीशु के साथ स्वर्ग गए, नॉनवेज बंद। ओके, सिंह बैल के समान भूसा खाएंगे। और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। इधर परमेश्वर क्या बोला, सर्प की आहार मिट्टी रहेगा, मिट्टी रहेगा, ऐसा नहीं, मिट्टी ही रहेगा। सब प्राणी से परमेश्वर सांप निकाल दिया, परंतु सर्प को मात्र परमेश्वर सांप नहीं निकाला। क्यों मालूम है क्या, सर्प लूसीफर को मदद किए थे आदम हव्वा को बरमाने के लिए। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर, जलन रखने वाला परमेश्वर, इसलिए सर्प को मात्र सांप नहीं निकाला। सर्प मिट्टी ही खाना चाहिए। हाँ, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई किसी को दुख देगा और न कोई किसी की हानि करेगा। इवन सर्प भी लोगों को हानि नहीं करेगा। छोटा छोटा बच्चे भी सर्प के साथ खेलेंगे। छोटा छोटा बच्चे भी सर्प के साथ क्या करेंगे, खेलेंगे, बराबर है, खेलेंगे और आनंद से खेलेंगे सर्प के साथ। और सर्प डसा तो भी विष नहीं। छोटा छोटा बच्चे भी सर्प को पकड़ेंगे और खेल कर रहेंगे। कितना आनंद, देखो यीशु का 1000 साल राज्य कितना अच्छा है। हालेलुया। ओके, अभी इधर आएंगे। 1000 साल यीशु का राज्य खत्म होने के बाद शैतान को किधर से छोड़ेगा, यीशु किधर से छोड़ेगा, आता। और उसके बाद शैतान का अंत कैसा होगा, ठीक से सुनो। 5 दिन आपका सामने चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर का वचन बताया है, बराबर है ना। 5 दिन का महत्व समय अभी है। क्या हम लोगों को ऐसा परिस्थिति में लेके आया ना लूसीफर, उसका अंत अभी हम लोग देखने वाला है, उसका अंत कैसा हो जाएगा। और उसके बाद यीशु हम लोगों को क्या देगा, अंतिम न्याय कैसा, जगत का अंत कैसा है, इसका रहस्य क्या है। थोड़ा टाइम के बाद मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा। अभी इस मीटिंग के लिए जो खर्च है, ऑफरिंग टाइम होगा, और उसके बाद मैं फिर से आपको परमेश्वर का वचन बताऊंगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। ओके पास्टर, करूंगा। स्वर्गीय पिता धन्यवाद। सतवाव गांव में लास्ट सेक्शन प्रकाशित वाक्य मनन करने के लिए हमको प्रभु तूने अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। अभी हम फिर से तेरा वचन मनन करने के लिए आगे जाता है प्रभु, और तूने हमारे संग बोल और तेरा वचन के आशीष हमको दे और तेरा राज्य के लिए हमको तैयार कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमेन। ओके, अभी जिस जगह में छोड़ा है बराबर उधर से शुरू करना। ओके, प्रकाशित वाक्य। पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे
और उसके साथ हजार वर्ष तक राज्य करेंगे। यीशु के साथ हजार वर्ष तक राज्य करेंगे। अभी 1000 साल यीशु का राज्य पृथ्वी पर खत्म हो गया। 1000 साल यीशु का राज्य पृथ्वी पर खत्म होने के बाद अभी यूहन्ना देख रहा है। आगे पढ़ो। जब हजार वर्ष पूरे हो चुकेंगे, इधर देखो, जब 1000 साल यीशु का राज्य पृथ्वी पर पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। कैद से मतलब किधर से? सब बोलो, अतः कुंड में से। अब 1000 साल यीशु का राज्य जब खत्म होगा तब शैतान अतः कुंड से बाहर छोड़ दिया जाएगा। इधर देखो, शैतान की चुटका, अतः कुंड से शैतान बाहर आया, बाहर आया, बाहर आकर 1000 साल यीशु का राज्य में नया जन्म हुए लोगों को भरमाएगा। किसको भरमाएगा? सब बोलो, नया जन्म हुए लोगों को भरमाएगा। भरमा कर यीशु के विरुद्ध लड़ाई के लिए जाएगा। तब अतः कुंड में से बाहर आए हुए शैतान के संग 1000 साल यीशु का राज्य में से नया जन्म हुए लोगों में से समुद्र का भालू इतना लोग शैतान बरोबर जाएंगे यीशु के विरुद्ध लड़ाई के लिए। क्या जी पास्टर, क्या जी पास्टर, यीशु का 1000 साल राज्य में से नया जन्म हुए लोग क्यों शैतान के पास जाएंगे यीशु के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए? ठीक से सुनो, 1000 साल यीशु का राज्य में नया जन्म हुए लोग चोरी किए, कुछ तो गलत किए, तो स्वर्ग से आए हुए हम लोग उन लोगों को क्या करेंगे? दंड देंगे। बराबर है ना? फिर से जिस लोग दंड लिए हैं उन लोगों का यीशु का राज्य पसंद नहीं होगा। कुछ लोग है चोरी करके काये बिना टेस्ट नहीं होगा। कुछ लोग है चोरी करके खाना चाहे, नहीं तो टेस्ट नहीं होगा। अभी देखो, कुछ सरकार नौकरी लोग है, सरकार कितना भी पगार देने दो, हजार हजार रुपए पगार देंगे सरकार, परंतु 50 रुपए तो भी लेने बिना उनको शांत नहीं होगा। बराबर है ना? ऐसा लोगों को यीशु का राज्य पसंद नहीं होगा। क्या रे यीशु का राज्य? एक चोरी किया दंड दे रहा है, एक गलत किया दंड दे रहा है, क्या यीशु का राज्य मजा नहीं? कुछ नहीं, झूठ बोल सकने और चोरी कर सकने और जीवन में मजा नहीं? न करे बाबा मुझे यीशु का राज्य। अभी जब यीशु का 1000 साल राज्य खत्म होगा, शैतान को बाहर छोड़ेंगे, शैतान आकर भरमाएगा नया जन्म हुए लोगों को, तब नया जन्म हुए लोग में से समुद्र का रेती इतना लोग शैतान बरोबर जाएंगे। हमारा लीडर अभी आया देखो बोले, और यीशु के विरुद्ध लड़ाई के लिए जाएंगे, तब क्या होगा? आगे पढ़ो। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी अर्थात गोग और मागोग को जिनकी गिनती समुद्र की भालू के बराबर होगी, जिनकी गिनती समुद्र का भालू का बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए, भरमा कर उनको भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा, इकट्ठा करने को अतः कुंडों से बाहर निकलेगा। अभी अतः कुंड से, अतः कुंड से बाहर आए हुए शैतान के साथ यीशु का 1000 साल राज्य में से नया जन्म हुए लोग में से समुद्र का बालू इतना लोग शैतान बरोबर गए, शैतान के पीछे गए, यीशु के विरुद्ध लड़ाई
के लिए। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर, वे सारी पृथ्वी पर फैलकर, क्लियर होना चाहिए। और वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी, पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी, प्रिय नगर को घेर लेगी। प्रिय नगर मतलब यरूशलेम, यरूशलेम को राउंड करेंगे। अतः कुंड से आए हुए शैतान, यीशु का 1000 साल राज्य में से शैतान के पीछे के ये लोग, कुछ लोग जाएंगे, समुद्र का वाली उतना लोग जाएंगे, ये सब यरूशलेम को राउंड किए। क्यों यरूशलेम को राउंड किए? यीशु 1000 साल राज्य पृथ्वी पर यरूशलेम में रहकर करेगा। इसलिए अभी शैतान उनके साथ गए हुए लोग यरूशलेम को राउंड किए। अभी देखो, यरूशलेम को राउंड किए, यीशु को राउंड किए। और आग स्वर्ग से उतर कर, और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी। जिस लोग यीशु का 1000 साल, 1000 साल राज्य में से शैतान के पीछे गए, उन लोगों को स्वर्ग से उतरने वाला आग भस्म किए। उन लोगों को स्वर्ग से उतरने वाला आग भस्म करने के बाद, इधर सिर्फ शैतान है और इधर डबल फिल्टर हुए लोग हैं, बराबर है ना? डबल फिल्टर का लोग है, इधर पहला फिल्टर, इधर दूसरा फिल्टर, इधर डबल फिल्टर का लोग और शैतान है। शैतान बराबर गए लोगों को स्वर्ग से उतरने वाला अग्नि भस्म किए। अभी ठीक से सुनो, सब सुनो। उनका भरमाने वाला शैतान स्वर्ग से अग्नि उतर कर भस्म किए ना, उन लोगों को भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्य वक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। आग और गंधक की झील में शैतान को डाल दिया, ये भी काम नहीं कर रहा। शैतान छोड़ तो क्या, अभी अभी शैतान किधर गया? सब बोलो किधर गया? नरक में गया। ऑलरेडी उधर कौन कौन है? ऑलरेडी उधर दो आदमी गए हैं, कौन कौन? और उस आग का झील में, नरक में अभी शैतान भी गया। शैतान गया, लूसिफर गया, बोलो तो उसका दूत भी उसके पीछे पीछे। किधर किधर लूसिफर जाएगा? उधर उधर उसका दूत भी पीछे पीछे। अभी लूसिफर किधर गया? सब बोलो, सब बोलो। और वे रात दिन, और वे रात दिन, वे मतलब शैतान, मसीह विरोधी, झूठा भविष्य वक्ता, वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे, युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। लूसिफर शैतान को द एंड। हमको ऐसा परिस्थिति में जो लेके आया लूसिफर को, द एंड, द एंड। आनंद से हम सब मिलकर एक अल्लेलुया बोलेंगे, अल्लेलुया। हमको ऐसा परिस्थिति में लेके आया शैतान लूसिफर को, एंड हो गया, एंड हो गया। किधर गया अभी? किधर था, किधर गया, किधर था? स्वर्ग में किसको सामने था? उन्होंने ले पा, स्वर्ग में किसको सामने था? अभी किधर गया? क्यों? दो बुरा बुद्धि। क्या दो बुरा बुद्धि? मैं परमेश्वर जैसा होना चाहिए, मुझे
आराधना चाहिए, मैं बड़ा होना चाहिए, मुझे गौरव चाहिए। विश्वासी लोग हो, परमेश्वर का लोग हो, सावधान, कभी इन दोनों बुद्धि आप लोगों का सिर में नहीं आना। मैं बड़ा, मुझे गौरव, मैं नहीं तो पास्टर मीटिंग कैसा करेगा देख तो, घुस गया देखो, लूसिफर घुस गया। मुझे ये कुर्सी नहीं क्या वेदी के ऊपर? कभी मत आना, मुझे नहीं आना। लूसिफर को परमेश्वर नहीं छोड़ा। आप कितना जी? परमेश्वर का लोग हो, विश्वासी लोग हो, ठीक से सुनो, हम लोग कैसा रहना चाहिए अभी आपको बोलूंगा। हम लोग, हमको लीन करके हम लोग नहीं जैसा जाना चाहिए। सिर्फ यीशु अपना जीवन में ऊंचे होकर उसी की ही महिमा होना चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं। इतना अब लोग जिया तो जीत गया। हालेलुया। कभी घमंड नहीं आना, लीन करना, हमको लीन करना, हमको लीन करना, हम नहीं जैसा होना। सिर्फ इस मात्रा हमारा जीवन में बड़ा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। आमेन। ओके, अभी लूसिफर किधर गया? नरक गया। अभी लूसिफर नरक जाने के बाद यूहन्ना देख रहा है अंतिम न्याय, अंतिम न्याय। आगे पढ़ो। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। अभी लूसिफर नरक जाने के बाद यूहन्ना देख रहा है एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उस पर जो बैठा है, कौन है? यीशु उस सिंहासन पर बैठा है। अभी अंतिम न्याय होने वाला है। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। अभी अंतिम न्याय के दिन में यीशु के सामने से आकाश, पृथ्वी क्या हो गया? भाग गया, मतलब फेंक दिया पृथ्वी को। क्यों? इस पृथ्वी अभी लूसिफर शैतान को द्वारे सब जगह में अपवित्र करके रखा है, बराबर है ना? इसलिए यीशु अंतिम में इस पृथ्वी को क्या करेगा? सब बोलो, क्या करेगा? क्या करेगा? किसको पे फेंक देगा? यीशु ही पृथ्वी को फेंक देने वाला है। आप लोग क्यों झगड़ा करते हैं? दो फुट मेरा है, एक फुट तेरा है, कोर्ट केस झगड़ा क्यों करते हैं? यीशु ही फेंक देने वाला है पृथ्वी को। झगड़ा मत करो, एक दूसरों को क्षमा करो, छोड़ दे, वो स्वर्ग में आपका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। ओके, अभी यीशु के सामने आकाश पृथ्वी भागे और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने यूहन्ना देखा। किसको? छोटे बड़े सब मरे हुए, मतलब आत्मिक शरीर में रहने वाला लोग मात्र अंतिम न्याय के दिन यीशु के सामने खड़े होंगे। इधर मिट्टी का शरीर में थोड़ा लोग रहेंगे ना, शैतान के पीछे नहीं गए ना, उन लोग अंतिम का न्याय का दिन यीशु के सामने नहीं आएंगे। मिट्टी का शरीर का लोग नहीं आएंगे अंतिम का न्याय के दिन। सब छोटे बड़े सब मरे हुए लोग यीशु के सामने है। आगे बढ़ो। और पुस्तकें खोली गई। कब पुस्तकें खोली गई? और फिर एक और पुस्तक खोली गई। इधर हम लोग देखा है तीन पुस्तक, परंतु मैं इधर दिखाया है सिर्फ दो पुस्तक। ओके, और फिर एक पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। उस पुस्तक जीवन की पुस्तक,
एक पुस्तक स्मरण की पुस्तक, एक पुस्तक जीवन की पुस्तक, और दूसरे एक पुस्तक ही वह जीवन की पुस्तक है। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। किसको न्याय किया गया? मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने, इधर देखो, मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। अभी अधोलोक उठकर आए, उठकर आए, उठकर आए, उठकर आए, इधर कड़ा है, बाया ओर अधोलोक, दहिना ओर विश्वासी लोग, आत्मिक शरीर में रहने वाला विश्वासी लोग, और बाया ओर अधोलोक, यीशु के सामने कड़े है। अभी अधोलोक इधर आए, परमेश्वर के लोग इधर है। आगे पढ़ो, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, मतलब बोलो, मतलब नरक में डाले गए। किसको डाले गए? बोलो, बोलो ना। अधोलोक अभी किधर गए? प्रमोशन हो गया क्या? प्रमोशन हो गया? हाँ, अभी अधोलोक गए नरक को। नंबर थ्री, नरक जाने वाला अधोलोक, अधोलोक, अभी अधोलोक गए नरक को। ठीक से सुनो सब लोग, ठीक से सुनो, महत्व समय में हम लोग आया है। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया, नरक में डाला गया। जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वे गए नरक। अपना जीवन में महत्व समय में आप लोग आया है। अभी मैं आपके पास पूछ रहा हूं, ठीक से सुनो, आपका नाम स्वर्ग में जीवन का पुस्तक में है क्या? नहीं तो आप लोग नरक जाने गारंटी। फिर से मैं आपको बोलूंगा, आपका नाम, आप लोग कोई रहने दो, आपका नाम स्वर्ग में जीवन का पुस्तक में है क्या? नहीं तो आप लोग नरक जाने गारंटी। ओके पास्टर आरपाल, 5 दिन हमको परमेश्वर का वचन ठीक समझाया है। अभी हमको बोलो, स्वर्ग में जीवन का पुस्तक में हमारा नाम होना चाहे तो हम क्या करना चाहिए?